अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपका लेक्चर नंबर 2 है पेडियाट्रिक नर्सिंग का। हमने इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया हुआ था, तो उसी को आगे देखते हैं हम। ये जी आपकी बुक है जिसे हम पढ़ेंगे, पेडियाट्रिक नर्सिंग 7th एडिशन, बरबारा एंड ब्रेनर और शेरा बार्लो, इन्होंने लिखी है। नर्सिंग डेट सीरीज की है ये, ठीक है। ये सबके पास होगी, आपके पास इसी बुक से हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके कंटेंट्स देख लेते हैं हम। पार्ट वन में है कि प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ, द हेल्दी चाइल्ड, द न्यू बॉर्न, द इन्फेंट एट रिस्क, द सिक चाइल्ड, होम एंड हॉस्पिटल। पार्ट टू में आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ केयर, इसमें आते हैं द चाइल्ड विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, द चाइल्ड विद कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, चाइल्ड विद रूमेटिक एंड कोलेजन प्रॉब्लम्स, चाइल्ड विद हेमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, GIT problems, metabolic problems, endocrine problems, neurological problems, dermatological problems, orthopedic, ये सारे हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जी आपकी अपेंडिक्स भी है। अपेंडिक्स में सेफ्टी, प्ले मैटर्स, फिर अपेंडिक्स 3 में है यूजफुल एड्रेसेस, अपेंडिक्स 4 में है नॉर्मल वैल्यूज एंड कन्वर्जन टेबल्स। सबसे पहले आ जाता है आपका पार्ट वन, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ। इसको देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले आते हैं जी द हेल्दी चाइल्ड। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड टुगेदर विद हर ऑन ऑब्जर्वेशंस विल इनेबल द पेरेंट्स टू प्रोवाइड केयर फॉर सिक चिल्ड्रन दैट रिकग्नाइजेस एंड मीट्स द चाइल्ड्स इंडिविजुअल नीड्स। इसमें ये बताया गया कि जब नर्स को ये पता होगा कि एक बच्चे को नशोनुमा करने के लिए या डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं, जब उसे ये पता होगा तो फिर वो इस काबिल होगी कि वो ट्रीट कर सके एक बच्चे को जो कि बीमार है, यानी कि पेशेंट है उसका, ठीक है। उसे पता होगा इसमें ये चीज़ कमी है, वो उसे पहचान लेगी और फिर उसके अकॉर्डिंग उसे ट्रीट करेगी, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड इंडिविजुअल नीड, यानी बच्चे की अपनी जो ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग। फिर नो टू चिल्ड्रन आर अलाइक एंड द नॉर्म्स एंड माइलस्टोन्स ऑफ एवरेज डेवलपमेंट मस्ट नेवर बी टेकन टू लिटरली, ईच चाइल्ड इज़ ए यूनिक इंडिविजुअल। इसमें यह बात की जा रही है कि कोई भी दो बच्चे जो हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो, ठीक है। हर इंसान की फिजियोलॉजी डिफरेंट होती है। फिजियोलॉजी कहते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग को। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के लिए जो है कोई एक दवाई है, वो एक बंदा खाएगा उससे कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वही सेम दवाई एक उसी के जैसे बंदे को हम दे देंगे तो उसकी फिजियोलॉजी डिफरेंट है, और अगर उसकी फिजियोलॉजी में एलर्जी है उस मेडिसिन से तो उसे एलर्जी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हर इंसान की अपनी फिजियोलॉजी होती है, ठीक है, और वो डिफरेंट भी होती है। ज़्यादा किसी में ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं इंसानों की मिलती हैं आपस में ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ को माइंड में रखना है कि दो बच्चे जो अगर हैं वो सीख क्या, तो ये नहीं कि आप उसके लिए एक लिमिट लगा दो। अब यहाँ पे बात की है नॉर्म्स और माइलस्टोन की। नॉर्म्स होते हैं जो यूजली हम जो चीज़ें कंसिडर की जाती है, ठीक है, जो आम है पढ़ने में। फिर माइलस्टोन होता है कि आप जैसे अगर आपको कि इतनी जो है हार्ट बीट इस बच्चे की होनी चाहिए, ठीक है, तो आपने ये नहीं कहना कि 25 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए अगर लेट से, तो आप कोई एक रिजिड फिगर नहीं दे सकते कि इतनी हार्ट बीट इस बच्चे की होनी चाहिए और इतनी ही इस बच्चे की भी होनी चाहिए, ठीक है। अब वो बच्चा आपस में उनमें फ़र्क हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वीक हो सकता है और इनमें से कोई हेल्दी हो सकता है, और फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का वेट बहुत कम हो और एक दूसरे बच्चे का वेट वो बहुत ज़्यादा हो, तो उनमें डिफ्रेंसेस आ जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपने बच्चों को जो है दो या दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको आपने बिल्कुल ये नहीं है कोई ठप्पा नहीं लगा देना कि इसकी इतनी ही हार्ट बीट आनी चाहिए तो ये नॉर्मल हो गई, वरना मैं इसको लिख दूंगा या लिख दूंगी कि ये एब नॉर्मल है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। फिर आ जाता है जी चिल्ड्रन डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन बट हैव पेरेंट्स और द पेरेंट सब्सटीट्यूट्स। बच्चे जो है वो अकेले नहीं होते, ठीक है, उनके साथ कोई ना कोई केयर टेकर ज़रूर होगा, उनके पेरेंट्स होंगे या पेरेंट्स सब्सटीट्यूट्स, यानी पेरेंट्स की जगह कोई और होगा जो उनकी ख्याल कर रहा होगा, एंड आर मेम्बर्स ऑफ फैमिलीज विद देयर ऑन डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज। अब उनकी जो पेरेंट्स हैं, जाहिर है कि यहाँ पे हम सोसाइटीज़ में देख रहे हैं कुछ मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस भी हो सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से हिंदूज भी हो सकते हैं, तो कोई भी उनका जो कल्चरल डिफरेंस भी हो सकता है। फिर कोई गांव से हो सकते हैं उनके पेरेंट्स या कोई शहर के रहने वाले हो सकते हैं, तो उन बच्चों में उनके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह से उसके केयर टेकर्स होंगे उस वैसे उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसको भी अपने माइंड में रखना है।
The national assessment also needs to recognize and environment previous life experiences, family and home do all have important implications for the individual child development and growth, both physical, mental and emotional. अब नर्स को इस बात पर भी ध्यान देना है कि वो बच्चा इलाज के लिए आया है तो उसके ऊपर जाहिर है कि उसके घर की तरफ से जो उसको माहौल दिया जाता है उसका बहुत बड़ा रोल है, उसका बहुत बड़ा उसके ऊपर इम्पैक्ट है, उस चीज़ को उसने माइंड में रखना है, ठीक है। और उसकी ग्रोथ पर भी जाहिर है कि इंसान का जो माहौल होता है, ठीक है, उस उसकी जो अपब्रिंगिंग जिस माहौल में हो रही होती है उसका उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट होता है कि वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली नज़र आता है उसको, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम हैं वो नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनके उनका उनकी लाइफ के अंदर नमाज का एक रोल है, एक इमोशनल रोल है कि आपको अल्लाह से एक ताल्लुक है, ठीक है। नॉन मुस्लिम होंगे, इसमें क्रिश्चियंस आ जाएंगे तो वो वर्शिप करते हैं चर्च में जाके, तो उनके लिए वो इबादत है। तो सबके लिए सब चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं, डिपेंड्स के उनके साथ क्या कंडीशन है, ठीक है। फिर द एवरेज स्टैंडर्ड्स आर नोन एज नॉर्म्स और माइलस्टोन्स, दे शुड बी फैमिलियर to those who deal with children both in health and sickness, but it's important to recognize the variations of that variations of up to 10 or 15% below or above any of these standards may still be considered within the normal limits. For this reason, many pediatricians now refer to development progress as a percentile of the average rather than using the rigid figures. इसमें ये बताया गया है कि जैसे यही बात जो मैंने पहले बताई आपको कि फॉर एग्जांपल अगर हम हार्ट बीट की बात कर रहे हैं तो आपने कोई रिजिड फिगर नहीं देना कि 20 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए इतनी एज के बच्चे की या 70 बीट्स पर मिनट होने चाहिए, आपने कोई रिजिड फिगर नहीं देना, ठीक है। हर जो बच्चा है उसकी फिजियोलॉजी डिफरेंट होती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन जो है 10 या 15% अबव और बिलो, यानी अगर मैंने स्टैंडर्ड रखा है 20 बीट्स पर मिनट का एक 5 ईयर्स के बच्चे की एज में, ठीक है, लेट से एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, तो उससे 10 या 15% अबव या बिलो अगर हो जाती है तो उसको भी आप नॉर्मल ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस बात की समझ आ रही है सबको कि कोई एक आपने रिजल्ट फिगर नहीं देना, उसके अबव और बिलो 10 से 15% फर्क आ सकता है और वो भी नॉर्मल ही होगा, ठीक है। दिस स्टैंडर्ड्स में स्टिल बी कंसिडर विद इन नॉर्मल लिमिट्स। For this reason, many pediatricians now refer to development progress as a percentile, the average. फिर एवरेज वैल्यू निकाल के, जैसे किसी भी चीज़ की रेंज दी होती है, फॉर एग्जाम्पल बेबी की रेंज आपको दी होती है नॉर्मल में, ठीक है, जैसे बीपी की जो है आप सबको पता है कि 80/120 होना चाहिए, ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, 80 कौन सा है, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक कौन सा है, 120। लेकिन अगर आप जाता है किसी का 125, ठीक है, और आ जाता है नीचे वाला 82 या 85 आ जाता है, 89 आ जाता है, तो आप उसे अब नॉर्मल ब्लड नहीं कहेंगे बल्कि उसको भी आप नॉर्मल ही कहेंगे। तो एक एवरेज या एक रेंज दी जाती है, ठीक है, इतना नहीं होता कि आप रिजिड उसी फिगर पे रिलाई करें। तो ओवरऑल इस पूरे जो दो पैराग्राफ्स हैं इनके यही मैं बताऊँगी कि हेल्दी चाइल्ड में जो सबसे पहले नर्स जो है उसको पता होना चाहिए कि बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है, उसका फैमिली बैकग्राउंड देखे, फिर उसके पर्सनैलिटी पर उसका इम्पैक्ट देखें, ठीक है, इमोशनली वो बच्चा कैसा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट करें, ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है। और दूसरी बात ये बताई गई है कि आपने कोई भी फिगर जो है वो फिक्स नहीं कर लेना कि ये इतनी ही बैड रीडिंग आनी चाहिए, बल्कि उसमें जो है मार्जिन रखना। बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और एक बात ये है कि किसी को कुछ समझना है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ भी किसी ने कहना हो आप अपना बता सकते हैं कि इस तरह से कर लें या फिर जिस भी चीज़ की समझ ना आए वो पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।